गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो टुडेस वीडियो इज अबाउट द नो मेकअप मेकअप लुक इन समर। आई रियली लाइक दिस लुक। आई रियली होप यू गाइस एंजॉय दिस लुक एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल सो यू कैन स्टे अपडेटेड ऑन एवरी न्यू वीडियो दैट कम्स ऑन माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस लुक की शुरुआत हम स्किन केयर से करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज टोनर। टोनर के लिए मैं यूज़ करूँगी ब्लॉसम कॉर्जस अरोमा मैजिक केयर स्किन टोनर। ये टोनर स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए है। माय सेकंड स्टेप इज़ मॉइस्चराइज़र। तो मैं मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यूज़ करूँगी पॉन्स लाइट मॉइस्चराइज़र। फिंगर्स के थ्रू डैप कर लूँगी स्लोली स्लोली एंड लीव इट 1 मिनट और 2 मिनट। सो थर्ड स्टेप इज सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के लिए मैं यूज़ करूँगी ब्लॉसम कॉर्जस एरोमा मैजिक एलोवेरा सनस्क्रीन जेल SPF 20। इसे मैं अपने फेस में लगा लूँगी विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर्स एंड आप देख सकते हैं इसे मैं अपने स्लोली स्लोली हाथों से इसे मैं अपने फेस में स्प्रेड कर लूँगी। आपको बिल्कुल स्लोली करना है, मतलब रफली नहीं करना है। 5 सेकेंड वेट करना। एंड नाउ थर्ड स्टेप इज़ प्राइमर। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ब्लू हेवन की फ्लॉलेस मेकअप बेस प्राइमर। सो आप अपने फिंगर के थ्रू इसे आप स्प्रेड कर सकते हैं अपने फेस में और मतलब ऐसे जैसे आप क्रीम लगाते हैं डेली यूज़ जैसे करते हैं ऐसा ही करना है। मतलब ये आपका पोर्स हो या पिंपल्स हो इसे मिनिमाइज़ करने में हेल्प करती है। तो आपको मतलब फाउंडेशन लगाने से पहले ये लगाना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर स्किन। इट गिव्स ए स्मूथ टेक्सचर ऑन योर स्किन, आप देख सकते हैं। सो फोर्थ स्टेप इज़ कंसीलर। इसे मैं अपने डार्क एरिया में लगाऊंगी और जहाँ मेरे एक्ने एंड पिंपल्स है और धीरे धीरे अपने फिंगर्स के हेल्प से डैप कर लूँगी। बहुत धीरे धीरे से हमको डैप करनी है वरना ये स्मूथ टेक्सचर नहीं देगी। कंसीलर से एक फ़ायदा है कि ये मुझे बहुत मतलब मेरा जहाँ जहाँ डार्क एरिया है वो लाइटन अप कर देता है और ये वेरी यूज़फुल है। आपको मतलब फाउंडेशन की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप ऐसे इंसान में है जो आप फाउंडेशन यूज़ करना आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में हमको कोई भी लूज पाउडर लेनी है। इसे मैं अपनी फेस में लगा लूँगी। थोड़ी सी मैंने अपनी नोज़ पे भी लगा ली क्योंकि मेरी नोज़ पे ऑयलीनेस की प्रॉब्लम है। सो मैं इन्हें अपने फिंगर्स के थ्रू ही डैप कर लूँगी ऑल ओवर माई फेस। तो मैं इसे स्लोली स्लोली टैप कर लूँगी ऑल ओवर माय फेस। इट टुक्स टाइम बट इट्स ओके। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। सो या इट्स रेडी, यू कैन सी। सिक्स स्टेप इज लिप बम। तो मैं इसे अपने लिप्स में लगा लूँगी। दिस लिप बम इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। सेवन स्टेप में आईब्रो सेट कर लूँगी। सो मैं एक शेप दे दूँगी विद द हेल्प ऑफ आईब्रो पेंसिल। आफ्टर दैट आई शेडो। ये मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी हालत। सो मैं ये ब्राउन शेड ले रही हूँ। इसे मैं अपनी आईलिड्स के ऊपर लगा लूँगी जब तक डार्क ना हो जाए। तो ये हमेशा।
एंड नेक्स्ट स्टेप इज दिस कलर, मूव कर लूँगी और लिपस्टिक पुट कर लूँगी। ये लिपस्टिक पिंक शेड में है जो मेरी फेवरेट है, और मुझे थोड़ा सा ब्राउनिश लुक भी, मतलब पिंकिश एंड ब्राउनिश लुक चाहिए, तो मैं थोड़ा सा ब्राउन भी यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ स्प्रे टू सेट माय मेकअप। इसे मैं स्प्रे कर लूँगी ऑल ओवर माय फेस और इसे मैं स्लोली स्लोली टैप कर लूँगी। सो या दिस इज द फाइनल लुक, यू कैन सी कितनी ग्लोइंग एंड नेचुरल लुक है। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज इन माई डिस्क्रिप्शन बिलो। सो या नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ।